बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन। तो व्यूअर्स, आज हमने बनाई है दही, और ये होममेड दही हमने घर में कैसे बनाई है आसानी से, और बहुत ही आसान रेसिपी है इसकी। तो हम अपने घर में साफ़ सुथरे तरीके से दही कैसे बना सकते हैं, तो मैंने 1/2 लीटर जो है मिल्क लिया है, अच्छी क्वालिटी का मिल्क होना चाहिए, तो वो हमने लिया है। तो उसको हम ऐड करेंगे किसी पतीली में और उसको अच्छी तरह से बॉयल करेंगे। तो जब तक ये बॉयल हो रहा है, तो व्यूअर्स प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारे रेसिपीज़ को लाइक और शेयर करें, और बेल को प्रेस करना प्लीज़ ना भूलिएगा, थैंक यू। तो ये बॉयल हो रहा है मिल्क, तो 2-3 बॉयल आने तक इसको हम कुक करेंगे। तो अच्छी तरह से ये बॉयल हो जाए तो हम इसकी जो फ्लेम है वो ऑफ़ कर देंगे। तो अभी हम एक मिट्टी का बर्तन लिया है, उसमें इसको ऐड करेंगे। तो आप स्टील के बर्तन में भी रख सकते हैं, या फिर जो ग्लास का बर्तन होता है उसमें भी बना सकते हैं, मगर मैंने मिट्टी का बर्तन यूज़ किया है तो मुझे पसंद है और इसमें बहुत अच्छा रहता है। तो मैं इसमें ये सारा जो मिल्क है ये ऐड कर रही हूँ, और मिल्क को इसमें डालने की ये आप देखिए तरीका कि मैं ऊपर से इसको डाल रही हूँ ताकि ये जो बबल्स बन रहे हैं इसके, तो ये बबल्स इसलिए बनाए जाते हैं कि जो इसकी लेयर है ऊपर वाली वो थोड़ी सी थिक बनती है इसके ऐसे डालने से। तो हम दूध को इसे ऊपर उठा उठा कर और इसे हम इसके बबल्स बनाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी झाग बन रही है, तो इससे इसकी जो ऊपर की लेयर है थिक बनेगी और बहुत ही अच्छी हमारी दही जमेगी। बिल्कुल इसी तरह से यही तरीका है इसका। तो देखिए कितना अच्छा बन रहा है। तो जब तक जितनी भी झाग बन सके आप इसी बनाएं। तो अभी हम इसको ठंडा करेंगे, तो इसको ठंडा करने के लिए इसके ऊपर हम कोई जाली वगैरह रखेंगे ताकि ये ठंडा हो जाए। तो कुछ देर के बाद ये ठंडा हो चुका है, और हम इसे उंगली को टच करके और उसे चेक करेंगे कि ये ठंडा हो चुका है, तो ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ चुका है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून दही योगर्ट। तो ये योगर्ट हम इसके बीच में ये से ऐड करेंगे, इसको ज़्यादा मिक्स करने की नहीं है ज़रूरत। तो इसको ऐसे हम इसमें डालकर और इसको ढक देंगे। तो हम इसको 5-6 घंटे तक ढक देंगे, और हम चेक करेंगे कि ये अगर अच्छी तरह से जम चुकी है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं, और हम इसे रायते में यूज़ कर सकते हैं, दही भले बना सकते हैं, हम बिरयानी में यूज़ कर सकते हैं, कोरमा बना सकते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं इस दही के साथ। और अगर हम ऐसे ही इसको ऊपर से चीनी ऐड करके बच्चों को खिलाएंगे तो भी बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार है। और देखिए कितना अच्छा रिज़ल्ट आया है, और हमारी परफेक्ट दही जम चुकी है। तो आप इसी तरीके से अगर दही बनाएंगे तो बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, ज़रूर बनाएं और इन्जॉय करें रमज़ान शरीफ में, सहरी और इफ्तारी में दही अपने हाथ से बनाकर साफ़ सुथरे तरीके से खाएं और अपने बच्चों को खिलाएं। तो दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह।